नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे वीडियो एडिटिंग और गेमिंग पीसी अगर आपका बिल्ड करवाना है तो आप नेहरू प्लेस दिल्ली से अगर आप बिल्ड करवाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको परफेक्ट प्राइस मिले तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि कौन सा सीपीयू आप ले सकते हो और कौन से पार्ट्स हैं जो आपको नहीं लेने और कौन कौन से पार्ट्स में दिक्कत आती है। क्योंकि लैपटॉप में अगर आप पहले एडिटिंग करते थे या गेमिंग करते थे और अभी आप सीपीयू पे जाना चाहते हो तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी दोस्तों, क्योंकि लैपटॉप में काफ़ी चीज़ें आसान होती हैं और सीपीयू में काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, जैसे वाईफाई डोंगल या ब्लूटूथ का डोंगल जिसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो मैं नेहरू प्लेस में आ चुका हूँ दोस्तों, आप यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स देख सकते हैं कि यहाँ पर दुकानें भरी पड़ी हैं, तो आप किससे सामान ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 या 3 दिन लगाए थे पूरी सब कुछ चेक करके, सबके रेट कंपैरिजन करके मैंने यहाँ पे सीपीयू बिल्ड करवाया था। तो मैं आपको उस शॉप पे ले चलता हूँ जहाँ से आप परचेजिंग कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका एड्रेस दे दूँगा। तो मैं इस शॉप पे आ चुका हूँ दोस्तों, तो आप यहाँ पे सीपीयू बिल्ड करवा सकते हैं, आपको जेन्युइन रेट मिलेगा। और भी मैं एक शॉप का एड्रेस और दूंगा आपको, तो उसका मैं GST बिल भी दूंगा जिससे मैंने खुद परचेजिंग किया, तो उससे भी आप सामान ले सकते हो। तो इसका एड्रेस दुकान का दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे अपनी परचेजिंग कर ली। ये मेरा सप्लाई पावर है जिससे आप अपने कंप्यूटर चलाते हो, ये मेरा कैबिनेट है दोस्तों। तो मैंने कैबिनेट यहाँ पे पहले दूसरा लिया था तो मुझे वो पसंद नहीं आया, तो मैंने फिलहाल इसको छोड़ दिया था। आप यहाँ पे एड्रेस देख सकते हो, कंप्यूटर एम्पायर के नाम से दुकान है दोस्तों। ये मेरे सारे प्रोसेसर मैंने जो लिए थे i5 और ये रैम प्रेशर की रैम ली है मैंने, और ये मेरा है मदरबोर्ड MSI का मैंने मदरबोर्ड लिया है। और उसके बाद आता है दोस्तों आप जो ये ग्राफिक कार्ड लोगे ये आप MSI में भी ले सकते हो और यहाँ पे आप GeForce में भी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। फिलहाल मैं 4GB का ग्राफिक कार्ड ले रहा हूँ। 4GB ग्राफिक कार्ड आपके बजट के अकॉर्डिंग ठीक रहेगा, क्योंकि इससे आपको लगभग 50 से 60 हज़ार की एवरेज आपको लेनी पड़ेगी, 50 से 60 हज़ार आपके लगेंगे। और मदरबोर्ड मेरा ये बिल्कुल नया है, आप देख सकते हो MSI का। मैं इसकी पूरी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा या लास्ट में आपको वीडियो में दूंगा, जो सारे मेरे बिल हैं कितने का मेरे को ये मदरबोर्ड है वो पड़ा। और ये रैम है, जो आप रैम देख सकते हो, ये रैम ये क्रूशियर की आप लेना, साटा या कुछ भी और मत लेना। तो आप चेक करके, डबल चेक करके जब आप इंस्टॉल करवा रहे हो तो आप वहाँ पे अपने सामने इंस्टॉल करवाना, अपने सामने असेंबल करवाना सारे पार्ट्स खरीद के। आप कहीं से भी पार्ट खरीद सकते हो जहाँ से आपको ये लग रहा है कि आपको यहाँ से बेस्ट प्राइस मिलेगा, तो आप वहाँ से उस पार्ट को खरीदिए और असेंबल करवा लीजिए। असेंबल आप ऊपर शॉप काफ़ी होती हैं नेहरू प्लेस के ऊपर, 3rd फ्लोर पर काफ़ी शॉप्स होती हैं, 2nd फ्लोर पर दोरी, तो वहाँ पर आप असेंबल करवा सकते हो, किसी से भी असेंबल करवा सकते हो, उसका पहले विंडो और असेंबलिंग का प्राइस कंफर्म करके। ब्लूटूथ और वाईफाई के लिए दोस्तों आप यहाँ पे वाईफाई के लिए छोटा डोंगल ले लीजिएगा, तो 200 रुपये के आसपास आ जाएगा। मैं उसकी फ़ोटो भी आपको लास्ट में दिखा दूंगा। और ब्लूटूथ के लिए आप यहाँ पे कुछ मत लीजिएगा, क्योंकि आपको बाद में दिक्कत आ सकती है, मुझे काफ़ी दिक्कत आई थी ब्लूटूथ के लिए। तो आप यहाँ पर माइक ले सकते हो या फिर स्पीकर ले सकते हो अलग से। तो यहाँ पर मेरा CPU लग चुका है जो i5 प्रोसेसर है, ये ऊपर दोस्तों इसके ऊपर एडजस्ट फैन होता है जो CPU को ठंडा रखने का काम करता है। तो लैपटॉप में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको प्रोसेसिंग नहीं दे पाती, उतनी फास्ट प्रोसेसिंग नहीं दे पाती, बार बार लैक होता है। प्रीमियम प्रो अगर आप यूज़ करते हो या फिर कोई भी गेम यूज़ करते हो, क्योंकि लैपटॉप के अंदर स्पेस की कमी होती है, स्पेस की कमी होने की वजह से जो उसका CPU होता है उसको एक लिमिट तक ही रखा जाता है कंपनी के द्वारा, उसको जब बनाते हुए तो उसकी लिमिट तय की जाती है। तो इससे आप अगर आप एडिटिंग में जाना चाहते हो, अगर आपको कुछ नॉलेज है एडिटिंग की, तो आप लैपटॉप ना लीजिए, लैपटॉप ना लेके आप सीधा CPU बिल्ड करवाइए। CPU बिल्ड करवा के आप डायरेक्ट अपना काम शुरू कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपनी जो SSD है वो मैंने यहाँ पे अपनी चेंज करवाई थी, क्योंकि जो शॉपकीपर है उसने मुझे साटा की दी थी, बट मुझे साटा की नहीं, मुझे क्रेशर की चाहिए थी। तो मैं दूसरी शॉप से इस
SSD को लेके आया था। ये 256 SSD है दोस्तों मेरी, और ये 1 TB हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क आप कोई भी ले सकते हो, साटा ले सकते हो, या फिर कोई और भी अगर जैसे NVMe आती है तो आप वो भी ले सकते हो, हार्ड डिस्क में इतनी दिक्कत नहीं होती। हाँ दोस्तों, मैं लैपटॉप वर्सेस CPU की प्रोसेसिंग के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये आप पावर सप्लाई देख सकते हो जो 80 सिक्योरिटी के साथ है, मतलब कि अगर आपकी पावर सप्लाई ऊपर नीचे होती है तो ये खुद जल जाता है, बट आपको कंप्यूटर को सेव कर लेता है। तो आप ये चीज़ चेक कर लीजिएगा कि बॉक्स के ऊपर 80 का मार्क बनाओ, ठीक है। ये मेरा कैबिनेट था बट मैंने चेंज करवा दिया था, तो उसके बाद मैंने ये कैबिनेट लिया था। जो जेब्रोनिक का है, जेब्रोनिक जील, इसका भी मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा दोस्तों, या फिर आप वहीं से भी ले सकते हो। तो ये आपको एवरेज 3000 के आसपास पड़ेगा जेब्रोनिक का, जो इसमें 4 फैन और 8GB लाइट के साथ है। तो आप यहां से मैं इसका जो बिल है आपको दे दूंगा। तो ये मेरा मदरबोर्ड इसके अंदर लग चुका है। मदरबोर्ड लगने के बाद ये सारी फिटिंग्स होती हैं, फिटिंग्स आप इसको ध्यान से करवा सकते हैं कि कोई भी पार्ट चेंज ना करें, क्योंकि भाई वो दिल्ली है तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हर जो फिटिंग करते हैं या फिर कोई भी सेलर है वो एक जैसा हो, बट आपको अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कहीं दूर से भी आते हैं दिल्ली से परचेजिंग करने, तो आप इसको बार बार उठाकर या कुछ भी पार्ट को चेंज करवाने के लिए क्लेम नहीं कर सकते। बार बार वहाँ जाना आपको बहुत परेशान कर देगा, तो इससे अच्छा आप खुद पहले ही अपना ध्यान रखें कि क्या कर रहा है और कितना आपको सही से पैक करके दे रहा है। CPU बिल्ड करवाने के बाद दोस्तों आप अच्छे से उसको चेक करवा लीजिएगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आप वाईफाई के लिए कौन सा डोंगल यूज कर सकते हैं, या फिर आपको TP लिंक ज़रूरी होगा जो मदरबोर्ड के अंदर लग जाता है, पीछे उसके एंटीना होता है, तो वो आपको प्रॉपर रहेगा जो 950 की रेंज में आता है दोस्तों एवरेज, और 3 साल की वारंटी आती है उसके साथ। और आप उसकी जगह एक डोंगल ले सकते हो जो 200 या 250 रुपये का आपको पड़ जाएगा, आप अपने लोकल एरिया से भी ले सकते हो वो। तो कौन सा बेटर रहेगा मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। इसके मैग्नेट है इसके अंदर, ये मैग्नेट है भाई, है ना। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। यहाँ पे मॉनिटर अगर आप लेना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो पूरी वीडियो। जेब्रोनिक का मॉनिटर है तो वो कितने में मुझे पड़ा, और फुल HD है दोस्तों, सॉरी अल्ट्रा HD है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना जो कैबिनेट है और जो CPU है मैंने ले लिया है, असेंबल करवा लिया है, और आपको सारी डिटेल्स है जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आपको बार्गेनिंग वगैरह नहीं करना, आपको कोई कंपैरिजन नहीं करना, और आपको लगता है कि जो मैंने परचेसिंग की है वो आपको सही लगी हो, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो मैंने शॉप के लिंक्स दिए हैं उन पर जा सकते हो, उनको देख सकते हो। और अगर आपको उसके बारे में और जानना है और देखना है कि CPU मैंने जो बिल्ड करवाया है वो कैसा दिखता है और किस तरह से वो प्रोसेसिंग करता है, कितना फास्ट है, कितना फ़र्क है लैपटॉप और CPU में, तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए इसको सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। तो दोस्तों आपने देख ही लिया है कि मैंने किसी भी शॉप को प्रमोट नहीं किया है यहाँ पे। मैं नहीं बोल रहा वहाँ पे कि आप इस शॉप से सामान लें या किसी भी शॉप से सामान लें, आप जिससे आपको रेट का अच्छा कंपेरिजन लगे, जो आपको जेन्युइन लगे, आप उस शॉप से सामान ले सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे 3 या 4 ही आइटम हमारी होती हैं, तो आप इस तरह से अपना CPU, अपना जो ऑफिस है वो आप बिल्ड कर सकते हो यहाँ पे एडिटिंग के लिए या गेमिंग के लिए। तो ये मेरा CPU बनाया था जो हमारे जो असेंबल हो गया था, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं वीडियो लेके आऊंगा एडिटिंग के ऊपर, पूरा कोर्स लेके आऊंगा, तो आपको जो यूट्यूब पे ही काफ़ी कोर्सेज मिलते हैं जो पेड कोर्सेज होते हैं, जैसे कोई 300 रुपये कोर्सेज होता है और उसमें बेसिक एडिटिंग ही सिखाते, कोई एडवांस नहीं सिखाता, तो आपको वो लेने की जरूरत नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं सारी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा एडिटिंग के ऊपर। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हो अगर आपको एडिटिंग आ जाए, प्रीमियम प्रो अगर आप सीख जाते हो, तो किस तरह आप वेडिंग की इनविटेशन वीडियोस बना सकते हो, फ्रीलांसर पे आप काम कर सकते हो, यूट्यूबर आप काम कर सकते हो, किसी यूट्यूब की वीडियो आप एडिट कर सकते हो, तो आप मंथली 10,000 से लेकर 30,000 किस तरह से कमा सकते हो, तो मैं इन सबके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी मॉनिटर के ऊपर, इसका मैं पूरा रिव्यू दूंगा आपका कि कितना फर्क है लैपटॉप पे और CPU पे काम करने में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।